हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस जो आज का वीडियो होने वाला है वो खासकर पबजी मोबाइल लवर्स के लिए होने वाला है। बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई अपने को एमुलेटर में खेलना है, अपने पीसी में खेलना है, कोई अच्छा एमुलेटर बताओ एंड उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो गाइस आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एंड पहली बात मैं बता दूं कि मैं कोई भी कोरियन वर्जन इंस्टॉल नहीं करने वाला हूं, मैं ग्लोबल वर्जन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड यहां पर मैं हाईली प्रेफर करूंगा कि आप अपने एक न्यू अकाउंट से लॉगिन करें या आप अपने एग्जिस्टेंट अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ये नहीं कि वीडियो को स्किप किया एंड फाइल्स डाउनलोड करने चले गए, ठीक है। जितने भी फाइल्स के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। बता दूं कि यार आप कोई भी इम्यूलेटर का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हाईली प्रेफर करूंगा कि आप मीमू इम्यूलेटर पे जाएं, क्योंकि मीमू इम्यूलेटर जो है दोस्तों वो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कन्फिग कर लेता है एंड आपको कोई भी कन्फिग करने का जरूरत नहीं रहता है। इतना हक तो बनता है, क्योंकि यार रात के 2 बज रहे हैं अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड अपन बहुत ही जल्दी 100K क्रॉस करने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई। एंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मोबाइल एमुलेटर खेलने के लिए आपको सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का ज़रूरत है। पहला हमारा VPN, दूसरा है हमारा पबजी मोबाइल का जो हमारा लेटेस्ट अपडेट, और एक अच्छा सा एमुलेटर। आप कोई भी एमुलेटर को सेलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा आपको कि आप मीमू एमुलेटर पे जाएं। इसका लिंक मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा एंड वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली मैं मीमू को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, मीमू अपने आप ही ऑप्टिमाइज कर देता है आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मीमू को मैं सबसे अच्छा एमुलेटर मानता हूँ एंड आज से नहीं, मैं बहुत समय से मीमू को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी तक कोई भी लो एक्सपीरियंस नहीं मिला अपने लो एंड पीसी में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना VPN ओपन कर लेना। VPN का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली यहां पर आपको दोस्तों अपना जो है, जो आपका लोकेशन है, यहां पर आपको अपना सिंगापुर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर सिंगापुर सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि आपको सिंगापुर में बहुत ही अच्छा, सिंगापुर में क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पिंग का इशू एकदम नहीं होगा, मतलब जितना हो सके यहाँ पर आपको लो पिंग देखने को मिलने वाला, हाई पिंग का इशू आपको एकदम नहीं मिलेगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर हमारा सिंगापुर का हो चुका है, तो सिंपली माई IP में मैं चलता हूँ एंड बेसिकली यहाँ पर मैं अपना IP एड्रेस देख लेता हूँ कि मेरा IP जो है चेंज हुआ है कि नहीं। बेसिकली ये एकदम ध्यान में रखना, अपना पबजी मोबाइल ओपन करने से पहले यहाँ पर आप माई IP देख लेना। तो यहाँ पर मेरा IP जो है सिंगापुर का हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, मीमू को ओपन करना है, ठीक है। मीमू इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। नॉर्मली जैसे आप कोई भी एमुलेटर इंस्टॉल करते हो, सिंपली उसी तरह से आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। बेसिकली ये सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो 2GB रैम होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड 512MB होना चाहिए, एंड डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए। इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आराम से आप मीमू इंस्टॉल करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मीमू ओपन हो चुका है, सिंपली आपको अब क्या करना है, ये पबजी मोबाइल का जो लेटेस्ट वाला अपडेट है 600MB वाला, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है एंड सिंपली यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, अब आपको थोड़ा वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू कर देगा। तो बल्कि जिसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा पबजी मोबाइल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली अपने को यहाँ पर ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको कुछ भी की मैपिंग करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको की मैपिंग मिल जाता है। मीमू का सबसे अच्छा बात मेरे को ये लगता है। तो यहाँ पर अपना जो है गेम स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पर आपका कुछ अपडेट आएगा, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। ये 10MB का अपडेट लेगा कुछ आपका, तो यहाँ पर अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। स्पीड आप देख सकते हो कितना अच्छा अपने को इस VPN में मिल रहा है। पर आपको अपना एक रिसोर्सेज पैक को सेलेक्ट कर लेना है, आपके पास लो एंड PC है तो लो को कर लेना। तो यहाँ पर मैं लो सेलेक्ट किया हूँ, तो मेरे को 300MB के आसपास यहाँ डाउनलोड हो रहा है, और हाई करोगे तो आपको 500MB के आसपास जो है डाउनलोड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपना है पबजी मोबाइल सक्सेसफुली अपडेट भी हो चुका है एंड यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना, फिर से ये दोनों को आपको चेक कर लेना। बाकी यहाँ पर अपने ट्विटर से भी लॉगिन कर सकते हो, फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो, गूगल प्ले से भी लॉगिन कर सकते हो। तो खासकर मेरे को एक सवाल ये आता है कि भैया मेरा गेस्ट अकाउंट लॉगिन नहीं होता, मैं गेस्ट अकाउंट से लॉगिन नहीं कर पाता हूँ। तो मैं सिंपली गेस्ट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, जो है लाइव प्रोसीजर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ यहाँ पर।
जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा गेस्ट अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लॉग इन हो चुका है, अपने को कोई भी एरर नहीं आया है। पुराना आईडी है वही ये डिटेक्ट कर लिया है, तो मैंने यही बनाया था अपना अकाउंट। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपना PUBG मोबाइल सक्सेसफुली ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर अपने कोई भी एरर देखने को नहीं मिला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपना पिंग है वो भी अपने को बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो फटाफट से मैं एक मैच को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अपन सोलो खेलेंगे तो सिंपली हम देख लेते हैं यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। बहुत दिन के बाद मैं खुद PUBG खेल रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक यहीं से जो है होता है। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑटो मैचिंग को बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं थोड़ा ग्राफिक्स के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ। देखो यार, अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो हाई ग्राफिक्स में मत खेलना, क्योंकि आप यहाँ पर लो रिसोर्सेज पैक को सेलेक्ट करके आए हो, ठीक है। तो सिक्स में आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली ग्राफिक्स में आ जाना है, ठीक है। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम होगा, आपके हिसाब से जो भी आपका पीसी का रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पर कर लेना। स्मूथ एंड एक्सट्रीम, आप यहाँ पर अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो स्मूथ और हाई में भी जा सकते हो। यहाँ पर मेरे पास 8GB रैम वाला पीसी है तो मैं एक्सट्रीम एंड स्मूथ में जा रहा हूँ। बाकी मेरे पास ग्राफिक कार्ड दोस्तों 1GB है, तो सिंपली यही है। एंड यहाँ पर आपको सिंपली जो आपको सेलेक्ट करना है कर लेना, बाकी क्लासिक सबसे बेस्ट रहता है। और यार अपने हिसाब से जो भी ब्राइटनेस सेलेक्ट कर लेना, सिंपली मैं ओके में क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड सिंपली अपन स्टार्ट में क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गेम है चालू हो चुका है बिना किसी एरर, बिना किसी लैग के। एंड वेल गाइस, बस इसी तरह आपने आपको स्टेप फॉलो करना है। एंड एक बात और कि जब भी आप गेम को क्लोज करें तो VPN को भी क्लोज कर देना, जब भी गेम ऑन करें तो सबसे पहले VPN को ऑन कर लेना, ठीक है। तो ये स्टेप आपको बस फॉलो करना है एंड PUBG मोबाइल अपने इमुलेटर में खेलने के लिए आप रेडी हो। और फिर भी अगर कोई आपको एरर आता है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।